फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑल्सो फॉर दिस चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर इग्नू के MCS 033 सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्टिसेस एंड एजेस। उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, जिसमें हम फाइंड करेंगे हमारे वर्टिसेस और एजेस, किसे हम वर्टिसेस कहते हैं और किसे हम एजेस कहते हैं। सो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको नाम दे देते हैं वर्टिसेस को, V1, V2, V3 एंड V4। ये हमारे वर्टिसेस हैं 4, जिससे कि हमारी एजेस कनेक्ट होती है, हमारी कोई भी लाइन कनेक्ट होती है। सो वर्टिसेस हमने वी से डिनोट किया है और एजेस यहाँ हमने ई से डिनोट किया है। तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ। मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, अब वर्टिसेस काउंट करेंगे हम V1, V2, V3 एंड V4। ये हमारे वर्टिसेस है जिसको हमें लिखना है एग्ज़ाम में। हमें इस तरीके से लिखना है V1, V2, V3 एंड V4 इक्वल्स टू, ये हमारे चार एज वर्टिसेस हो गए हैं। और हम इसी तरह से हम अपने एजेस काउंट कर लेते हैं, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। यहाँ हमारे 6 एजेस है। ये हमें इसी तरीके से एग्जामिन आंसर में लिख के आना है, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई हमारे मार्क्स काट नहीं पाएगा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ग्राफ। इसमें हम बताएंगे कि ग्राफ की डिग्रीज़ कितनी होती हैं और वो हम कैसे निकालते हैं, ये भी देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए, हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। और ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमें करना ही करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है हमारा। डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग इट, मतलब जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं, जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं वो कितने कितने दूसरे वर्टिसेस से कनेक्ट हो रहा है एक लाइन के थ्रू, एक लाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे 4 वर्टिसेस हैं, तो हम सबकी डिग्री निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में लिखना है डिग्री ऑफ ग्राफ, डिग्री ऑफ ग्राफ लिखना है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, DEG ब्रैकेट में और VI, VI मीन्स कौन से वर्टेक्स की हम डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। हम इसकी जगह D का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल D का, ठीक है। जैसे ऊपर हमने फर्स्ट में लिखा है DEG V1, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको DV1। ओके, अब हम इसको फाइंड करते हैं हमारे कितनी डिग्रीज़ हैं, ठीक है। 4 वर्टिसेस हैं हमारे, V1, V2, V3 एंड V4, हमने इस तरीके से नोट डाउन कर लिए। तो हम V1 का देखते हैं, एक एच कनेक्ट है इससे V2, और V1 से कनेक्ट है हमारा V4 एंड V1 से कनेक्ट है हमारा V3, तो ये हमारा जगह 3। इसी तरीके से देखते हैं V2 का,
तो वी टू से हमारा कौन कौन कनेक्ट है, एक तो ई वन, सॉरी वी वन, वी टू से हमारा कनेक्ट है वी वन, वी टू से कनेक्ट है हमारा वी थ्री, एंड वी टू से कनेक्ट है हमारा वी फोर। तो यहाँ भी हमारी डिग्री हो गई 3, वी टू के लिए डिग्री हो गई हमारी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है वी थ्री। वी थ्री के लिए हम देखते हैं वी थ्री से कौन कौन कनेक्ट है। वी थ्री से वी टू, वी फोर एंड वी वन, यहाँ भी हमारे 3 वर्टिसेस कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वी फोर। वी फोर किससे कनेक्ट है, वी थ्री से, वी टू से एंड वी वन से, यहाँ भी हमारे कितने कनेक्ट है, कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, अब डिग्रीज निकालने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है डिग्री ऑफ ग्राफ। ओके, फिर वी वन कितने कितने वर्टिसेस है हमारे, वी वन, वी टू, वी थ्री एंड वी फोर, 4 वर्टिसेस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम उनको सबको उनकी डिग्रियाँ ऐड करनी है, वी वन की 3, वी टू की 3, वी थ्री की 3 एंड वी फोर की ऑल्सो 3। ठीक है, अब इनको हमें ऐड ऑन कर देना, ऐड करके हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द वर्टिसेस एजेस एंड डिग्री ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम उनके एज वर्टिसेस को नाम दे देते हैं, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। ठीक है, अब लिखते हैं वर्टिसेस हमारे कितने कितने फाइंड किए हम लोगों ने, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। तो हमारे कितने हो गए, ये हमारे 5 वर्टिसेस हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे एजेस। एजेस काउंट करते हैं, एक लाइन हमारी कनेक्ट है वी वन से वी थ्री, तो ये ई वन मतलब एज वन। ठीक है, ई वन से है ई फाइव, सॉरी वी वी थ्री से है वी फाइव, ये हमारा दूसरा, वी टू से वी फोर, ये हमारी तीसरी एज, एंड वी टू से वी फाइव, ये हमारी चौथी एज, और वी फोर से वी वन हमारी 5वीं एज। ठीक है, इसी तरीके से हम एजेस को डिनोट करेंगे, ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, ई फोर एंड ई फाइव से। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है वी वन कॉमा वी टू, सॉरी ई टू, ई वन कॉमा ई टू, ई थ्री एंड ई फोर कॉमा ई फाइव। तो हमारे यहाँ भी 5 एजेस हो गए हैं। अब निकालते हैं डिग्री ऑफ ग्राफ। डिग्री ऑफ ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ ग्राफ के लिए हमने हेडिंग दी, उसके बाद हम अपने वर्टिसेस को लिखेंगे, डी इक्वल्स टू वी वन ब्रैकेट के अंदर, डी वी वी टू, डी वी थ्री, डी वी थ्री, डी वी फोर मीन्स डिग्री ऑफ वी फोर वर्टिक्स फोर, डी फाइव। और अब हम इनको काउंट करते हैं, वी वन से कौन कौन कनेक्ट है, कितने एज कनेक्ट है, 1, वी वन से वी थ्री एंड वी वन से वी फोर। ओके, तो ये हमारे हो गए 2 एजेस। ठीक है, और अब हम करेंगे वी टू, वी टू से क्या क्या कनेक्ट है, वी फोर एंड वी फाइव, 2 एजेस कनेक्ट है, तो हम 2 लिखेंगे। ऐसे ही वी थ्री, वी थ्री के कितने कनेक्ट है, एक वी वन कनेक्ट है और एक वी फाइव कनेक्ट है, तो यहाँ भी हमारे 2 डिग्री हो जाती है, 2 डिग्री। ठीक है, वी फोर एंड वी फोर से वी टू एंड वी वन, सॉरी वहाँ पे वी थ्री पे मैंने 3 लिख दिया, वहाँ 2 है, और वी थ्री से हमारा है वी फाइव एंड वी वी फाइव के लिए, वी फाइव के लिए हमारा वी टू एंड वी थ्री, तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा। तो अब हम इन जितने भी हमने डिग्री निकाली है वर्टिसेस की, इनको ऐड ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री हो जाएगा, सॉरी डिग्री ऑफ ग्राफ हो जाएगा हमारा 10। ऐड ऑन कर देंगे इन सब 3 5 वैल्यू को, तो हमारा हो जाएगा 10। अगर टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।